अप्रैल के महीने को वर्ल्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अवेयरनेस मंथ के रूप में भी मनाया जाता है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो पिछले 30-40 वर्षों से बहुत तेज़ी से बच्चों में बढ़ी है। ऑटिज्म में कई तरह के कारण हो सकते हैं, आनुवंशिक जैसे कि जेनेटिक कहते हैं, माँ जब बच्चे को गर्भधारण किया हुआ है उस समय में माँ को अगर कोई इन्फेक्शन होती है उसकी वजह से, या फिर बचपन में ही कोई खास तरह की इन्फेक्शंस हों ब्रेन की, या इसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जिसमें कि ब्रेन की ग्रोथ जिस प्रकार से जितनी तेज़ी से होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। इसमें कुछ ऐसे मापदंड हैं जिसकी वजह से पहले 2 सालों में ही बच्चे की जो नॉर्मल ग्रोथ है वो रुक जाती है, ख़ास तौर पे सामाजिक चीज़ों के बारे में, एक दूसरे से आंखें मिला के बात कर पाना, माँ बाप को भी दूसरे परिवार के सदस्यों को भी देख के उनसे बात कर पाना या सिर्फ बात ही कर पाना, ये भी उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी जुड़ी होती हैं कि वो बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से जो लर्निंग है, जो एक स्पीड से खासतौर पर जिन्हें माइलस्टोन्स कहते हैं, उन्हें पूरा नहीं कर पाते, और उसी के साथ साथ कुछ तरह की मूवमेंट जिन्हें कि हम स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट्स कहते हैं, जैसे कि वो एक जगह पे बैठे बैठे हिलते रहते हैं या हाथों को हिलाते रहते हैं, या कई बार जिसे हम हाइपर एक्टिविटी कहते हैं, यानी एक जगह पे बैठ नहीं पाते, बहुत इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण की फीचर है कि उनका दूसरों के साथ एक जो सामाजिक संबंध है वो नहीं जुड़ पाता, और ऑब्वियसली उसकी वजह से स्कूल जाना, दूसरे बच्चों के साथ बैठना खेलना वो नहीं हो पाता। इन बच्चों के साथ बहुत काम करने की ज़रूरत है, इमोशनल वर्क जिसे हम कहते हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली सारी की सारी जिम्मेदारी माँ बाप पर आ जाती है या परिवार के दूसरे सदस्यों पर आ जाती है, और कई बार हम ये देखते हैं कि पूरा परिवार जैसे रुक सा जाता है, इसी बच्चे पर इतना ध्यान दिया जाता है कि दूसरे बच्चों की तरफ ध्यान हो ही नहीं पाता, या माँ बाप जो काम करते हैं हर समय क्योंकि उनके मन में चिंता या उसके बच्चे के फ्यूचर को सोच के भय बना रहता है, और उस वजह से वो और कुछ कर ही नहीं पाते, अपने जीवन में ग्रोथ कर ही नहीं पाते। एक और बहुत बड़ी समस्या जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि समाज में इन बच्चों को तिरस्कार किया जाता है, हंसा जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि ये दूसरे बच्चों से अलग है, और इसी वजह से परिवार अपने रिश्तेदारों तक से, अपने सगे संबंधियों पड़ोसियों तक से कट जाते हैं, और सारा कुछ खुद में समेटने की, खुद ही संभालने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका इमोशनल बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़रूरत है संवेदना की, ज़रूरत है संवाद की उन परिवारों के साथ, और ज़रूरत है कुछ हद तक सेवा की, कुछ देर के लिए, अगर माँ बाप को या दूसरे घर परिवार के लोगों को अगर उस बच्चे की ध्यान रखने से हम छुट्टी दे दें, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए उस बच्चे का कोई ध्यान रखने के लिए तैयार हो जाए, तो बहुत बहुत दूर तक वो मदद जाती है। तो आइए एक प्रण लेते हैं कि वो लोग जो किसी भी प्रकार से हमसे अलग हैं, वो बच्चे जो किसी भी प्रकार से पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं, वो लोग जो किसी भी प्रकार से हमें लगता है कि हमारे जैसे नहीं हैं, हम आगे बढ़कर अपना हाथ देकर उनकी भी मदद करेंगे, क्योंकि अगर हम उनकी मदद करते हैं तो शायद कल अगर हम में से किसी और को इसी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़े तो दूसरे लोग भी हमारी मदद करने के लिए तैयार होंगे।